दोस्तों इंस्टाग्राम में साउंड प्रॉब्लम हो रही है, स्टोरी साउंड प्रॉब्लम। अगर आप लोग किसी का भी स्टोरी को मेंशन करते हैं अपना स्टोरी में, या फिर कोई भी आपका रील्स वगैरह को अपना स्टोरी में मेंशन करते हैं, लगाते हैं अपना स्टोरी में, तब उससे क्या होता है कि आपका जो भी साउंड है वो आती नहीं है उसमें, और साउंड ही गायब हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, आप यहाँ पर स्टोरी में लगाता हूँ और यहाँ पर देखिए साउंड ही नहीं आ रही है। तो ये सब को जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हो आसानी से, काफ़ी ईजिली। और ये आपको गाइस 2 मिनट में फिक्स करके बताऊँगा, और आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, स्किप कहीं पर मत करना है। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, तो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया टेक रूडाउल 2 है, फॉलो जरूर से कर लेना। यहाँ पे मैं स्टोरी लगाया हूँ, यहाँ पे टोटल सॉन्ग वगैरह आ रहा है, बट किसी किसी को क्या होता है कि प्रॉब्लम हो रही है, तो काफ़ी भाई लोग को आ रहे थे, डीएम किया था मेरे को इंस्टाग्राम में। तो मैं क्या किया इसका, इस पे मैं इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को पूरा कंटिन्यू लास्ट तक देखना है। मैं आपको टोटल 2-3 मैटर बताऊंगा जो कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा, वो ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले मैं रिसर्च करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली से आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र ही ओपन करना है आपको, प्ले स्टोर के बाद में बताऊंगा। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम अप टू डाउन, ठीक है। इंस्टाग्राम अप टू डाउन आपको सिंपली से सर्च करना है, जो भी बताऊँगा रियल ट्रिक बताऊँगा, कोई भी फेक ट्रिक नहीं बताऊँगा, ठीक है, जो भी है सब जेन्युइन है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम अप टू डाउन। जैसे आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम अप टू डाउन, उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद फर्स्ट में आपको यहाँ पर लिखिए लेटेस्ट वर्जन, यानी कि इसमें जो भी है 8 मार्च का लेटेस्ट वर्जन इंस्टाग्राम अप टू डाउन, इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। ओल्ड वर्जन चेक करना है तो ओल्ड वर्जन में भी जा सकते हो, यहाँ से आपको ओल्ड वर्जन में मिल जाएगा। ओल्ड वर्जन में आप क्लिक करोगे उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे टोटल सारा इंस्टाग्राम का जो भी लेटेस्ट वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, सब यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको ओल्ड वर्जन नहीं करना है, लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है, जो भी है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको रन करना है, रन करने के बाद एक बार गाइस इंस्टॉल करने के बाद आपको एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। रिस्टार्ट करने रिबूट करने के बाद आपको देखना है ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती है। मेरे ख्याल से ओपन ये हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। आप सेकंड मेथड क्या है कि प्ले स्टोर में आना, प्ले स्टोर में आने के बाद इंस्टाग्राम सर्च करना है, ज्वाइन करना है बेटा वर्जन। अगर बेटा वर्जन को ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन जरूर से कर लेना, ठीक है। अब जैसे ही बेटा वर्जन आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद नीचे की साइड में जाएगा अपडेट, अपडेट अगर नहीं किया अभी तक तो अपडेट भी कर लेना इंस्टाग्राम में। अपडेट करने से यह होगा कि आपको जो भी है इंस्टाग्राम का जो भी अपडेट आएगा आपको समय पर मिलती रहेगी, और आपको जो भी आईडी को ओपन वगैरह सब ओपन होता जाएगा। ये ट्रिक को यूज़ करना है। एंड थर्ड ट्रिक ये है कि आपको सिंपली से अपना फ़ोन का सेटिंग में आना है, आपको मोबाइल का जो भी आपका मोबाइल होगा आपका सेटिंग तो मिलता है उसमें आना। आने के बाद आपको ऐप मैनेजर, यानी कि ऐप मैनेजर में आपको सिंपली से क्लिक करना है एप्लीकेशन का, आप या फिर आप में जो भी एप्लीकेशन ओपन होती है, जो भी सेटिंग ओपन होती है उसमें चले जानी है। चले जाने के बाद यहाँ पर आपको टोटल ऐप का लिस्ट मिल जाएगा, जो भी आप अपना फ़ोन में एप्लीकेशन है सब यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली से क्या करना होगा, आपका इंस्टाग्राम यहाँ पर शो हो जाएगा, इंस्टाग्राम में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टोरेज में क्लिक करना है, यहाँ से एक बार क्लियर कैच करना है। क्लियर कैच करने के बाद यहाँ पे परमिशन में क्लिक करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि हमें सभी में परमिशन दिया हो नहीं दिया हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैंने म्यूजिक पे देखना है, म्यूजिक में परमिशन दिए हो या नहीं दिए हो, ठीक है। यहाँ पे टोटल चीज़ आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद एक बार मोबाइल को रिबूट आने के रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है आपका 100% सॉल्व हो जाएगा ये सब ट्रिक यूज़ करने के बाद। मुझे नहीं लगता है कि ये सब ट्रिक यूज़ करने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका 100% ये हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होती है तो आपको 2 से 3 दिन रुकना है, यानी कि इंस्टाग्राम में कोई ग्लिच हो सकता है, कोई बग हो सकता है, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। या फिर आप कोई दूसरा मोबाइल में आईडी लॉगिन करके ट्राई करना। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया जरूर से फॉलो करना। टेक गुड आउट टू है, मिलता है। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, अपना बहुत ख्याल रखो।